पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरे सब बहन भैया के, मेरे बेटे वास्ते बहुत ज़्यादा दुआ करन कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब आ। ये तकरीबन 2-3 महीने हो चले आ, तेरा वजन भी बिल्कुल कम हो रहा और यदि तबीयत अपसैट अपसैट दिन ब दिन तबीयत डाउन डाउन। इन्ना मोटा ताज़ा से माशाल्लाह इन्नी सोहनी सेहत सी, हुण अचानक बुखार भी बहुत ज़्यादा आने लग गया वा। तो डॉक्टर कोल गए सी रात, पहले भी डॉक्टर हो गए हैं, यह जी मेडिसिन ए वाली ए डॉक्टर ने पहले दी सी, ए डॉक्टर ने पहले दी सी रात। हाँ सॉरी, ए भी ना फोलिक एसिड गोली भी नाल दी सी डॉक्टर ने, कहता सी ए चीज़ा बच्चे मतलब कि जारी रखो, ये भी दतिया वा। तो मजीद उन्हें रात सानू ए वाली दवाई दी है, ए दवाई दी है 4 शरबत इसबगोल का छिलका जो मैं अपने वास्ते लिया वा, ये भी रात मैं लैके आई हूँ, क्यों मैं ये इसबगोल का छिलका खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो इस करके फिर ये मैं पूरी डब्बी लै लेनी होनी, पहले खत्म हो गया सी, ये भी लैके आ जी आ पहले वाली है, आ रात लैके आए हैं 4 डब्बिया, उन्हें रात 4 डब्बिया दवाई दतिया ने, तो 4 शीशियाँ। तो उन्होंने कहा भी ये पिला के बच्चे को, तो मजीद तुझे चैक करवाना वजन, डॉक्टर ने चैक किया यदा पहले नालों भी कम होया वजन, तो कोई चीज़ बिल्कुल नहीं खाता पीता, इन्ने मेरे बच्चे की सेहत डाउन हो गई है। कल रात भी इन्ना तेज़ बुखार से, कल पूरा दिन ज़्यादा बुखार सेगा, तो रात माशाल्लाह जो दवाई दी है रात कुछ बेहतर रहा वा। तो सुबह उठा वा, सुबह मैं अंडा और देसी घी ना छोटा जिन्ना मतलब पराठा बना के दिता, वो इन्हें नाश्ता किया वा, तो अज मतलब काफ़ी दिनों तो बाद अज इन्हें अंडे एक अंडा, तो एक अंडा पूरा नहीं सीगा, थोड़ा जहा कम से मतलब थोड़ा जहा बचाता इन्हें, तो अद्धी मतलब भी निके जी छोटे जी निकी जी पेड़ा ला के ना, तो निकी जी टिक्की बना के दी, वो चो अद्धी टिक्की खाधी काफ़ी दिनों तो बाद, वरना यह कोई चीज़ नहीं ऐसी खाता पीता। तो हूँ जी उन्हें मेडिसिन दिने मैं अपने बच्चे को, आ सुल करना है आओ दाई तू, मेरे भैन भैया के मेरी अपील आ रिक्वेस्ट आ कि मेरे बच्चे वास्ते बहुत ज़्यादा दुआ करना, क्यों औलाद मिठी मुराद होंगी है, अल्लाह मियाँ हर एक दे, अल्लाह ये किसी को कमी ना दे, मेरा तो इस बच्चे तो बगैर मेरी दुनिया ही ये नाल आ। मेरे बड़े बच्चे चल जाते स्कूल, सारा दिन मैनू हंसा रहा माशाला, इन्ना खुश तबीयत मेरा बेटा वा, तो अज यदी वजह तो मैं खुद बहुत परेशान हाँ। हाल तिकर मैं नाश्ता नहीं किया, तकरीबन 10 बज गए ने तो मैं नाश्ता नहीं किया, मेरे दे के परेशान हो रही हूँ। हाँ जी असलाम ला भाई, ऊपर देख के कहो, ऊपर देख के कैसे हो, कैसे मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, कैसा मेरे बहन भाई ने दुआ करनी मेरे लिए, क्या मेरे लिए दुआ करनी है, दुआ करनी है, कैसे दुआ करनी है, हाथ जोड़ के दिखाओ, कैसे दुआ करनी बोलो, पापा ने दुआ करनी है, चलो ऐसे करके फिर दुआ करके दिखा दो सबको ना, दोनों हाथों से, हाँ क्या मेरे लिए दुआ करनी है, हाँ जी लो जी मैं हूँ दवाई देवा मुंडे नूं, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह जी, मैं दाल जिहड़ी आ देसी घी पा के तो चुक ली हूँ, प्लेट लैके आनी है बैठ के जी नाश्ता करते हैं, और रोटी भी मैं बना के रख ली है, तो देसी घी ना चुपड़ के मैं जैन के पापा नाश्ता करते हैं, अभी 10 बज गए ने तो नाश्ता साढ़ा हूँ हो रहा, सिर्फ जुल्कनैन की वजह तो असं दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान से, अच्छा अल्लाह मेरे बच्चे ने तंदुरुस्ती दे ला सेहत दे। लो जी वो इज्जत के मेरी जान दा टोटा मेरा सोना बेटा, नाश्ता कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा भूख लगी है, 10 बज गए जी, जैन दे पापा ने ड्यूटी की तैयारी कर ली, इन्हें ड्यूटी ते जाना वा, तो मैं क्या चलो नाश्ता कर लिया सी कठे बैठ के, हाँ जी करिए नाश्ता, नाश्ता कर लिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब, मैं अमेरिका दी, आप साहब करिए से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाली दुख तकलीफ तुम जाते, इस दौरान आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू करने वाले छोटी जी अर्ज करते हैं, जो मेरे भैन भी साढ़े नवे हैं, जिन्हें साजदा फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो, ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे कोल टाइम तक पहुँच सके। अज्ज दी वीडियो विच कुछ इस तरह जी, जैन दे पापा मैं जुलकर नैन, वैसे जुलकर नैन ने नाश्ता करा के मैं इन्होंने मेडिसिन देती है, तो हूँ मैं असी खुद भी नाश्ता कर लिए दोनों मियाँ बीवी, तो जैन जुलकर लीजा फातमा तो जैन उल आबेदीन जी निका फातमा दोनों स्कूल चले गए ने, इन्हों फर्स्ट आने बाद मतलब पास होने बाद आज स्कूल का पहला दिन, आज मेरे ख्याल शायद किताबा वगैरह भी मिलनगियाँ बच्चों जो मिलनगियाँ, वह भी अपने भैन भैया शेयर करा, अज शायद मिलनगियाँ तो शायद ना मिलन, तो फिर भी शायद नहीं पता पक्का, मेरे ख्याल से अभी मिल जाएंगे है ना,
असं जो नाश्ता कर लिए देखो सुलगा नैन किस तरह देखता बेचारा ना इस तरह प्यार रहा वा बहुत ज्यादा तबियत अजकल खराब है बहुत ज्यादा स्पैशल मेरे भैन भी मेरे बेटे वास्ते दुआ करनी है चाय भी मैं पका के लाई हाँ देसी घे रोटी चोपड़ी जैन के पापा बहुत शौक ना खाते ने नाल दाल सी तो उन्होंने फिर थोड़ी जी दाल ना खा के इन्नी की रोटी बचा ली कह रहे कि मैं इन्नी की चाय ना खानी मैं चलो तो चाय ना खा लो हम कहते चाय बना के लिया मैं फटाफट फिर उठी घर में खाँदी पीती नाश्ता करती मैं उठी उठ के फिर फौरन मैं चाय बनाई है बना के मैं चलो मैं बाद नाश्ता कर लेनी मेरा खामद ने कहा वा तो सब तो पहले मैं चाय बना लिया वा ये चाय ना रोटी खाने ताकि इन्हें खाने का मज़ा ना खराब हो जाए पहले मैं चाय बना के लैके हूँ मैं नाश्ता कर दी पहले थोड़ा बहुत नाश्ता मिल के किया मैं फिर चाय बना चले गई तो जो भी आज का पूरे दिन का व्लॉग है अपने भैन भैया लाजमी शेयर करा नाश्ता किया वा नाश्ता करके तो जैन के पापा ने मैं लैबोरेटरी भेजा वो अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं तो जुलकर नैन ने मैं दवाई पिलाती सी तो उन्हें लैके बैठी रही वो सौ गया वा फिर उस तो बाद मैं उठी मैं बर्तन धोते ने धो के बर्तन तो फिर मैं क्या मैं अपने शेयर कर लवा एक कढ़ाई सी एक कढ़ाई सालन बनाया सीगा इन्हें भी धो के रखा वा इन्हें मैं चक के फिर अंदर रखा ये सालन देखती कि बचा पा थोड़ा जिन्ना सालन है वा तो मतलब के हांडी विच थोड़ा हल्का फुल्का लग्या वा चलो ये जो बच्चे आएंगे तो बिल्कुल हांडी रोटी खा लेंगे तो हांडी बिल्कुल साफ हो जाएगी फिर हांडी भी धो लेंगे लगता कि बार मैं कॉल आ रही है मैं जैन के पापा की तो मैं बाद अपना ब्लॉग अपना शेयर कराँगी पहले कॉल सुन लो घर अचानक मेहमान आ गए मेहमान कौन आए ने मेरी अम्मा जड़ी बनी हुई है माँ बनी हुई वो बेटी आई है मैंने मिलने वास्ते तो मैं उन्होंने वास्ते जोड़ा हूँ निमको बोतल मंगाई है तो मैं निमको तो बोतल पा के दिनी हाँ गलासा च पाने खोल के बोतल जी सिलर मान रही गलासा च पाने छोटी बच्ची नाल है एक ओद वास्ते जी यह बोतल बच गई बोतल मैं फ्रिज च वापसी रखवा दें हल पकड़ो लो भी पियो बोतल समान लैके आए हैं स्कूल का अपने भैन मतलब मैं कहना फोन लिखो ये अपना सवेर का व्लॉग बनता पे अपना पूरे दिन का व्लॉग है एक असं वीडियो चढ़ानी होंगी है तो असं फिर क्या भी चलो असं फिर अगर अपने भैन भैया के नाल शेयर कर लीए ये बच्चा ने मतलब मेरे बच्चे पास होए हैं उसे अपने भैन भैया ने शेयर किया हूँ अगली क्लास चले गए माशाल्लाह तो ज़्यादा इन्हें नौवीं क्लास में सीगा तो लेकिन असं नौवीं च नहीं बैठन दिता सी नहीं एक साल छुड़वा के नहीं इस साल में कह नहीं अठवीं के पेपर कहते पेपर होंगे नहीं होंगे होंगे वो कोई टेंशन नहीं असं कहने बच्चे अच्छी ग्रोथ जब बनी हुई है इस तरह जान हूँ निधा फातमा हो गई अठवीं में जैन हो गया छेवीं निधा अलीजा फातमा हो गई चौथी चौथी चो ना हाँ जी होर क्लास हो गई मेरा बेटा वन क्लास में है ऐसे नंबर वन और नंबर वन नंबर वन है तो नंबर टू है टोटल कुल जी कापिया पांच छह रजिस्टर काफी सारी चीजा फातमा
छह कापियां दे दी। हूँ कि लानी लीजा फातिमा आपने छह जी ज़ैनुल आबिदीन ने ये सारे रिजल्ट को किया भाई तेरे बच्चे ने परेशान कर दिया है मेरे मैं रानी। अच्छा सही देखिए जी मेरी थी या ते इतना ज्यादा इतना दा इतना ज्यादा इतना दी कॉपी कितनी कॉपियां ने 8 4 और 4 8 ठीक है जमीन अभी ते पूरा दिन लाइट नहीं आई ते सारा दिन लाइट नहीं इन्ना वक्त पाई रखा साढ़े घर पानी भी नहीं आगा सी बिल्कुल खत्म हो गया ते लाइट सुबह भी गई तो बड़ी मुश्किल ना हूँ आई है हम फिर चलेगी लाइट। अच्छा जी ये जी आगे इन्होंने कापियां चले गई 8 कापियां लीजा फातिमा दी 6 कापियां नीता दी 6 जैन दी फातिमा कलर और ए वाला जैन का। अच्छा ये जी ब्लू मार्कर ने आला बेटे आला लीजिए नीता फातिमा। अच्छा इसी तरह जी तीन पेन ने पॉइंटर हाँ पॉइंटर आलो एक तेरा एक लीजा फातिमा का एक नीता फातिमा का। चलो जोकर लैन की छुट्टी तो असं जी अपने भैन दिन अज का ब्लॉग शुरू किया तो जावे अपने भैन दिन को इजाजत मिलेंगे नैक्सट वीडियो अगर मेरे भैन में मेरी वीडियो अच्छी लगे पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सानू जरूर दस्यो सानू दिओ इजाजत सुनने वाले अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।